Secretary Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Of Kumar ji. Respected Arun Kumar Gupta ji. IMI Mumbai branch. Respected Brijender K. Jain ji. President IMI. Respected Rajiv Nair ji, Chairman in Marco International Maritime Conference 2022. Respected David Birwarkar ji, Convener in Marco. Respected Rajiv Jalluta ji, Chairman Mumbai Port and Indian Port Association. And respected लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप सबको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और डीजी से मैं धन्यवाद देता हूं, साथ साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन इंजीनियर्स आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने 3 दिन का जो ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव आयोजन की, इससे देश की हमारी सबके प्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपने, उनको साकार करने के लिए आप लोगों ने प्रतिबद्ध हुई। अब दुनिया की मानव समाज ने ये निर्णय ले चुकी है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट सही रहे, इसके लिए हमें हर कदम पे विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा। इसलिए ग्रीन पोर्ट हो या ग्रीन शिपिंग, इसका मूल लक्ष्य यही है ताकि इस पृथ्वी में बचे हुए प्राणी सुरक्षित रहे। प्राणी को प्राण मिलते हैं और हम मैरीटाइम सेक्टर में सब लोग अपने कर्तव्यों को देश के लिए, दुनिया के लिए पालन करने जा रहा है। इसलिए हम सबको इस विषय पर विशेष रूप से सावधानी दिखाना होगा, सावधान रहना होगा, ताकि हमारी सारी गतिविधियों में कोई प्राणियों का किसी भी हालत में नुकसान ना पहुंच सके। आई बिलीव केयरफुलनेस एडॉप्टेड बाई a global society and we all deeply realize how honorable prime minister right from the beginning he has been giving special emphasis to promote the biodiversity that is in India and the globe, and that is why in his speeches we always get certain distinctive direction how in every step of our initiative we should be careful in caring our nature. Teen din ki jo bhi conclave, is conclave mein agli dino mein 21 शादी में जो दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर में जो हेल्दी कंपटीशन का माहौल बन रहा है, इस कंपटीटिव माहौल में हम अपने शक्ति कैसे दिखाएं, क्योंकि ये जमाना है टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का, हाई एंड स्किल का,
तो इसलिए हमारी शक्ति हमें दिखानी होंगे। तो अगले दिनों में हम जो भी नई कार्यक्रम हाथ में लेंगे, इस कार्यक्रम के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत बनाए और हम खुद अपने आत्मविश्वास को जगाने का हम काम करें और आत्मविश्वास जगाकर अपने शक्ति को देश के हितों के लिए हम सही दिशा पर उपयोग करें, ताकि हम इस देश को बाय 2047 वी कुड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट नेशन, आत्मनिर्भर भारत। निर्माण की सिलसिले में हम सब इकट्ठित हुए हैं, इनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी, जो पॉलिसी, जो इनिशिएटिव, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन चीजों पर हमें विशेष रूप से कदम उठाने होंगे। तो इसलिए आज मुझे ये जो समझौता हुई तेरी का साथ हमारी दीनदयाल पोर्ट, तुतीकोरिन, पारादीप और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो इससे मुझे लगता है कि काफी लाभ होगा और हमें दिशा भी मिलेगा और अपनी शक्ति को आधुनिक बनाने के सिलसिले में। अब जैसे आप लोगों को मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागरमाला प्रोग्राम के जरिए हमारी पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज पोर्ट अगर मॉडर्नाइज नहीं हुआ होता, पोर्ट लेट कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हुआ होता, पोर्ट को हम मॉडर्नाइज डिजिटाइज अगर नहीं किया होता, मैकेनाइज नहीं किया होता, तो वो शक्ति हम दिखाने के लिए काबिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी विजनरी प्रोग्राम हाथ में ली है, चाहे सागरमाला 2035, इंडिया मैरीटाइम विजन 2030, हर विजन ने हमें लक्ष्य दी है और उसी दिशा पर अपने शक्ति दिखाने के लिए हम लोगों ने सब एकत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि पिछले 8 साल का जो अनुभव, इससे साफ जाहिर है कि आज देश का जो प्रगति, देश का जो विकास जिस हिसाब से बढ़ने लगा है, तो आज देशवासियों का मन में ये उम्मीद जगने लगा है कि हम कर सकते हैं। अब दुनिया में हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस मोदी जी के नेतृत्व में जैसे बढ़ रहा है, आप सब लोगों ने देखा है, ग्लोबल पीस के सिलसिले में हो, ग्लोबल यूनिटी के सिलसिले में हो, हर विषय पर मोदी जी के लिए आज दुनिया का सभी देश बड़े उम्मीद से अपेक्षा करते हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे, भारत क्या बोलेंगे, यानी कि आज आप लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में जो शक्ति दिखाया गया है, जैसे विश्व में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने का काम किया है, इसके वजह से आज हर भारतीय इस विषय पर गर्व महसूस करता है। आप उसी स्तर पर आ चुके हैं कि आप हम पीछे दिखेंगे नहीं, क्योंकि आप पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इन चीजों ने तो और भी शक्ति बढ़ा दिया, मनोबल बढ़ा दिया, दिशा दिया। यस, दिस इज अ राइट वे ऑफ प्रोसीडिंग। ये पहले हमारे बीच थे नहीं, आज हम लोगों ने अपने ही फैमिली, सपोजिंग मैरीटाइम फेटर्निटी में, शिपिंग फेटर्निटी में, पोर्ट फेटर्निटी में, अलग अलग फेटर्निटी में जो भी लोग हम शामिल है, तो हम लोगों ने अलग अलग विभाग के बीच तालमेल पहले हुआ नहीं करते थे। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है, उनका कहना है ये देश हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा कर सकते अगर हम सब एकत्रित हो जाए। 130 करोड़ जनता को एकत्रित करने के लिए उन्होंने महामंत्र शुरू किया है, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. दिस इज हाउ ही हैज इंटीग्रेटेड द नेशन एंड दिस थ्रू दिस इंटीग्रेशन ही कुड एबल टू एनहांस द पावर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी इन ऑल द सेक्टर. अब देखिए कोसिन शिपयार्ड लिमिटेड, किसी ने अपेक्षा नहीं की थी. आपने तो दुनिया का बहुत बड़े लड़ाकू जहाज बनाने में सफलता प्राप्त की. ये देश का शक्ति है. 76% इंडिजिनियस एफोर्ट. करियर INS विक्रम. तो आप हम खुद कर सकते हैं. ये विश्वास कोई मामूली सफलता नहीं है, ये हमारे लिए महाशक्ति है. अगर हर व्यक्तियों का मन में ऐसे ही भावना जाग उठे तो हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन सकता है. आप निश्चित रूप से अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, मन बनाइए. लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी रखी, ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट, और आज दुनिया को ग्रीन बनाने के लिए दुनिया के मानव समाज प्रतिबद्ध हुई है. COP 26 अलग अलग बैठक में, जो अंतरराष्ट्रीय बैठक, हर बैठक में सब लोगों ने इस विषय पर अपने समर्थन व्यक्त किए हैं. कैसे इस पृथ्वी में, प्रकृति में जो शक्ति भगवान ने दे रखा है उसको सही हमको मान्यता देना होगा. ये खुद के लिए, हर प्राणियों के लिए. अगर एनवायरमेंट, इकोलॉजी नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे, कोई प्राणी नहीं रहेगा. ये हमारे लिए बनी है. ये उपलब्धि आज मानव समाज में जाग उठा है. इसलिए इस विषय पर दुनिया के सारे देश एकत्रित हुए हैं. तो मुझे लगता है कि आज हमें भी इस विषय पर अपने अनुभव दिखाना होगा, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना होगा. और आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो सेवा की है देश के लिए, जो आप लोगों ने शक्ति दी है, ऐसे ही महाशक्ति बनते हैं. तो हमारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनता रहती है, इतना बड़ा परिवार. ये परिवार अगर एकत्रित हो जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की मंत्र से अगर जुड़ जाए, मन से, दिल से जुड़ जाए, तो निश्चित रूप से ये विश्व का महाशक्ति बनेगा. मस्ट टाइम आई हैव टू again proceed to Calcutta tonight, and I am really thankful to all the organizers, particularly DG Shipping and also Institute of Marine Engineers. You have rightly taken the initiative, which is very much important, relevant at this moment, not only for India, for the global society too. So I believe this is how we'll have to serve the nation as well as serve the world, because maritime trade के जरिए ही विश्व का बाजार, विश्व का व्यापार नियंत्रित होती है. तो इसलिए इतना बड़ा हमारा जो दायित्व है, इस दायित्व को हम कैसे निष्ठापूर्वक निभाए और इसमें हमारा शक्ति कैसे दिखाए, हमारा सुपीरियर स्किल कैसे दिखाए. हम सबसे अधिक शक्तिशाली है, इन विषय को हम कैसे साबित करें. तो इसके लिए मुझे लगता है कि अलग अलग जो हमें अपने बीच इनिशिएटिव ले रखा है, इन इनिशिएटिव को हम कैसे सफल पूर्वक आगे बढ़ाए. तो इसके लिए आज आधुनिक भारत जो निर्माण हुआ है, इस आधुनिक भारत में आप हम सबको इस विषय पर विशेष रूप से प्रतिबद्ध होना होगा. नई पीढ़ियों को उपलब्धि जगाना होगा. हमारे देश के अंदर जो युवा शक्ति है, अगर युवा शक्ति को हम इस विषय पर प्रभावित करें, प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दे, दिशा दे, तो निश्चित रूप से युवा शक्ति के द्वारा हम दुनिया
को जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा हर अपने कदम को हम कैसे इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इसके जरिए हम सारे देशवासियों को जानकारी दें, क्योंकि हर इनिशिएटिव को विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ियों को जानकारी देना होगा, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कौन सा दिशा पर कैसे क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या है ग्रीन शिपिंग, क्या है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, क्या है ग्रीन पोर्ट। इन चीजों को नई पीढ़ी समझे और हर स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, डिस्कशन का विषय बने। आज 3 दिन का जो कंक्लेव आयोजन किया गया है, मुझे लगता है ऐसे ही इन विषय को यू शुड परकुलेट टू द ग्राउंड एंड बिकॉज नाउ दिस इज एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एक्टिविटी, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन कम्युनिकेट ऑल द स्कूल्स, ऑल द कॉलेजेस, ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द स्टेक होल्डर्स, सो दैट लेट द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट आवर इनिशिएटिव, अबाउट आवर टारगेट मिशन। सो आई बिलीव दिस इज हाउ वी विल हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ इवेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल। अगर जनता जुड़ जाए, जनता का मन बन जाए, तो कोई भी असंभव नहीं है। और हमारे बीच ऐसा एक नेता है, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के है, सिर्फ देश का ही लोकप्रिय नेता नहीं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और सबको मालूम है ऐसा एक नेता है जो मार्गदर्शन देते हैं, सही दिशा देते हैं और ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, देशभक्ति के भावनाओं से देश के जनता को सेवा करते आए हैं और सफलपूर्वक सेवा किया है। उनके 8 साल के कार्यकाल में जो सफलता प्राप्त की है, इसलिए हम सब उनकी नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारा सबका यही मानना है कि हम उन्हीं के नेतृत्व में विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सकता है। हम आगे बढ़ाए और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इवेंट शुड हैव फॉलो अप एक्शन, कंटिन्यूटी जारी रहे, है ना। या 3 दिन हुए और भी आप अलग अलग, जैसे हमारा इनलैंड वाटरवेज 20,000 किलोमीटर्स और कोस्टल ईस्ट एंड वेस्ट 7,500 किलोमीटर का, भगवान ने इतना बढ़िया हमें मौका दिया है, भगवान ने दिया है, इन चीजों को हम सही मान्यता दे, स्वीकार करें, इसके जरिए हमारी भविष्य को हम बड़ी सफल बनाएं। और मुझे लगता है कि आप सब इस विषय पर निश्चित रूप से अगले दिनों में निष्ठापूर्वक काम करते जाएंगे। इसी उम्मीद का साथ फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इस माहौल को देखकर ऐसा लगा है आप लोग इतने सीरियस बन गए हैं, कभी कभी मुझे संजीव जी सब कोई इतना सीरियस हो गए, ये शायद नदी में वो सीरियसनेस है, पानी में वो सीरियसनेस है, पानी महाशक्ति है, पानी का बिना तो कोई नहीं जी सकते ना। किसी ने कहा है मजे में किसी ने कहा है कि मैं तो मानता हूं वाटर इज द विजडम, वाटर इज द वेल्थ, वाटर इज द एनर्जी। साथ में किसने कहा है कि भाई पानी में पैसा है, पानी में पैसा है, ये सही है संजीव जी। और इस दुनिया के आज व्यापार किससे चल रहा है, पानी के द्वारा। जलमार्ग प्रभु का दिया हुआ वरदान है, उसी जलमार्ग के सहारे से हम अपने जीवन आज जीते हैं और समृद्धि बनाने के लिए हम लगे हुए। तो मुझे लगता है उसी लक्ष्य को प्राप्त के लिए हमें सबको जुड़ जाना चाहिए। और इस सभा का जो माहौल है, मुझे लगता है कि ऐसे आप बनाए रहिए और थोड़ा बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी बनिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। जय हिंद। तालियां रुकनी नहीं चाहिए।